अस्सलामुअलैकुम, आई एम जाहिद फ्रॉम medicart.pe। ये हमने सुजुकी कल्टस 2012-13 मॉडल की मॉडिफिकेशन की है और इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किया विद स्पीड सिंडिकेट के साथ और उसको हमने ये सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है। ये सिक्योरिटी सिस्टम हमारा ये बड़ा पायदार होता है और इसमें हम जो सेंट्रल लॉकिंग यूज़ कर रहे हैं वो कॉपर वायर वाली होती है, वाटर प्रूफ। उसकी 1 साल की गारंटी होती है और इस सिस्टम की 2 साल की गारंटी होती है। आपको दिखाते हैं, ये गाड़ी लॉक हो गई, ये गाड़ी अनलॉक हो गई और इसमें बड़े बड़े ज़बरदस्त फीचर हैं इसमें, इस हमारे सिस्टम में। मैं आपको फिर दिखाता हूँ, ये गाड़ी लॉक हो गई और ये गाड़ी अनलॉक हो गई और इसकी हमारी किट की 2 साल की गारंटी होती है। बहुत पायदार होता है, सालों साल ये ख़राब नहीं होता हमारा ये सिस्टम। और इसके अलावा इसको आपको दिखाता हूँ, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किया विद स्पीड सिंडिकेट के साथ और इसको हमने ये और भी मैं दिखाता हूँ आपको, इसको हमने आर्म रेस्ट लगाया फोल्डिंग वाला। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये हमारे पास गाड़ी इसका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड था, दोनों हाथों से भी स्टीयरिंग इसका नहीं घुमाया जा रहा था। इसको हमने इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग किया विद स्पीड सिंडिकेट के साथ और स्पीड सिंडिकेट की हम अपनी हर वीडियो में अवेयरनेस दे रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टीयरिंग हार्ड होता जाता है, जैसे कि जापानी गाड़ी में आता है। जब आपकी गाड़ी 100-120 की स्पीड पर जाती है तो आपको फील होता है कि आपकी गाड़ी रोड के ऊपर जम के चल रही है, ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी हवा में तैर रही है। और ये स्पीड सिंडिकेट की दौलत है और इसकी हमारी 1 साल की गारंटी होती है और इसमें हम जो स्पीड सिंडिकेट लगा रहे हैं वो भी हमारे पास जापानी और जो मोटर लगा रहे हैं वो भी जापानी होते हैं। इसकी ये लाइफ टाइम चलता है हमारा ये इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, मगर इसकी रिटर्न गारंटी हम 1 साल की देते हैं। और हम इसमें जो सामान यूज़ करते हैं वो हमारे पास रिकंडीशन गाड़ियों का सामान होता है। और आपने शायद ही कभी किसी से सुना हो कि अगर किसी बार रिकंडीशन गाड़ी है तो उसका पावर स्टीयरिंग या पावर ब्रेक खराब हुई हो, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ख़राब नहीं होते, मगर इसकी रिटर्न गारंटी हम 1 साल की देते हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये गाड़ी खड़ी है तो हम इसको एक उंगली साथ इसको दोनों तरफ घुमा सकते हैं। ये आप देखें, एक उंगली साथ आप इसको दोनों तरफ ईजिली घुमा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग विद स्पीड सिंडिकेट के साथ ये है और ये गारंटी वाला काम होता है हमारा। और इसके अलावा इसको हमने ये आर्मरेस्ट लगाया, ये आपको दिखाते हैं, या इसको आप फोल्ड करके अगर ये देखिए, और ये देखिए बॉक्स इसका, और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है हमारी ये आर्मरेस्ट। और इसके अलावा ये स्टीयरिंग कवर आ गया लेदर का, ये देखिए आप, ये जेन्युइन लेदर का स्टीयरिंग कवर। और इसमें और भी काफ़ी छोटे छोटे और भी काम किए हैं। और ये भैया है हमारे पास, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, स्कूटी के पेशेंट आपने कहा दी चेहरा दिखाई सर, आप ये कहाँ से आए हैं आप? जी मैं बेसिकली लाहौर से जोहर टाउन से आया हूँ। तो मेरा जो स्टीयरिंग था पहले वो काफ़ी हार्ड था और मुझे बड़ी मुश्किल आती थी अगर मैंने कोई टर्न लेना है या फिर कोई गाड़ी को रिवर्स करके या फिर पार्किंग करनी है। जी जी, लेकिन अभी मुझे पावर स्टीयरिंग मैंने करवाया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। मतलब अभी आप थोड़ी सी ट्राई करके आए हैं। जी जी, तो इसका मुझे बताएं कि वो कैसा फील हुआ और जो आपके लिए जो हम जो बताते हैं कि इसकी स्पीड से अंदर की होती है। जी जी, बिल्कुल डिफरेंट एक एक्सपीरियंस था। मतलब जब स्पीड के साथ साथ जो जो स्पीड बढ़ती गई है जी, और उसका बेसिकली स्टीयरिंग हार्ड होता गया, स्लो हो गई और फिर वैसे ही नरम हो गया, ऐसे होना चाहिए जैसे जापानी गाड़ी में आता है। तो वैसे ओवरऑल भी आपका स्टाफ भी बहुत अच्छा था, बिहेवियर बहुत अच्छा था, बड़ा मज़ा आया उनके साथ। उन्होंने हर जो छोटा छोटा काम है, हालांकि वो मतलब पुराना काम भी था एक होने वाला, वो भी उन्होंने साथ ही किया। चले जजाकल्ला। लेकिन ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ अच्छा था, आपका स्टाफ भी अच्छा था, आपका बिहेवियर भी अच्छा है और बेसिकली प्राइस भी मार्केट के लिहाज से काम भी अच्छा है और प्राइसेस भी मार्केट के लिहाज से मतलब रीजनेबल है। जजाकल्ला। सर जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग हमारे पास आते हैं, 22 अहमद होते हैं मेरे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। मजीद मालूमात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब करें, zdcars.tk। अल्लाह हाफिज़।